द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का पराभव तथा वृक, सत्यजित, शतानिक, वसुदान और क्षत्रदेव आदि का वध। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार संक्षप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्ध क्षेत्र की ओर चले। महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुड़ व्यूह देखकर उसके मुकाबले में मंडलार्ध व्यूह बनाया। कौरवों के गरुड़ व्यूह के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे, शिरह स्थान में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था, नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे, ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग, सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, दशेरक, शक, यवन, काम्बोज, हंसपत, शूरसेन, दरद, मद्र और कई-कई आदि देशों के वीर हथियारों से लैस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति सेना के रूप में खड़े थे। दाई ओर अक्षौहिणी सेना के सहित भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाहलीक थे। बाई ओर अवंती नरेश, विंद और अनुविंद एवं काम्बोज नरेश सुदक्षिण थे। इनके पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे। पृष्ठ स्थान में कलिंग, अम्बष्ठ, मगध, पौंड्र, मद्र, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाती आदि देशों के वीर थे। पूंछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न-भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा था। तथा हृदय स्थान में जयद्रथ, संपाती, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्रात और निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अश्वारोही, गजारोही और रथी सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह गरुड़ व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था। इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। इस अजेय और अति मानुष व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथ में न पड़ूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें, वे आपको अपने काबू में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार की चिंता न करें। द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के मुकाबले में आ गया। यह अपशकुन देखकर आचार्य कुछ खिन्न से हो गए। तब आपके पुत्र दुर्मुख ने धृष्टद्युम्न को रोका। बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्ध में संलग्न थे, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। इससे कहीं कहीं से पांडवों का व्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पागलों के समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपस में अपने पराए का भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय महाबली सत्यजित उन्हें बचाने के लिए आगे आया। उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया, फिर पांच बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया, 10 बाणों से घोड़ों को घायल कर डाला, 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को बींध दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोण ने 10 मर्मभेदी बाणों से सत्यजित को घायल करके उसके धनुष बाण भी काट डाले। सत्यजित ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर 30 बाणों से वार किया,
इस प्रकार द्रोण को सत्यजित के काबू में पड़ा देख पंचाल देशीय वृक ने भी उन पर 100 बाणों की चोट की। यह देखकर पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय वृक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब आचार्य ने सत्यजित और वृक के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक को उसके सारथी और घोड़ों के सहित मार डाला। इस पर सत्यजित ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य जी को उनके सारथी और घोड़ों के सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजित के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर हजारों बाण छोड़े, किंतु सत्यजित बार-बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा। युद्ध भूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से हंकवाकर युद्ध के मैदान से भाग गए। अब आचार्य के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानिक आया। वह 6 तीखे बाणों से सारथी और घोड़ों के सहित द्रोण को बींधकर बड़ी गर्जना करने लगा। फिर उसने उन पर और भी सैकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक शूर्प्र बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला। यह देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीतकर द्रोणाचार्य ने चेदी, करुष, केकई, पांचाल, सृंजय और पांडव वीरों को भी बार-बार परास्त किया। आग जैसे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब सृंजय वीर कांप उठे। जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म किए डालते हैं, तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े। फिर उनमें से शिखंडी ने 5, क्षत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्यकी ने 100, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12, धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकीतान ने 3 बाणों से उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़सेन को धराशायी किया, फिर 9 बाणों से राजा क्षीम को घायल किया। इससे वह मरकर रथ से नीचे गिर गया। इसके पश्चात उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तमौजा को घायल किया तथा 1 भल्ल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया। फिर 80 बाणों से क्षत्रवर्मा पर और 26 से सुदक्षिण पर वार किया तथा 1 भल्ल से क्षत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया। तदनंतर 64 बाणों से युधामन्यु को और 30 से सात्यकी को बींधकर वे फुर्ती से धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आ गए। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हंकवाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए और अब आचार्य के सामने एक पांचाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्य ने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथी और घोड़ों के सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो, द्रोण को मारो ऐसा कोलाहल होने लगा, किंतु उन अत्यंत क्रोधातुर पांचाल, मत्स्य, कैकेयी, सृंजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सात्यकी, चेकीतान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाविंदु और सुवर्चा इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब ओर पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे। द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए
कौरव और पांडव वीरों का द्वंद युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्शन भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जाने का भय छोड़कर शत्रुओं के सामने आकर डट गए। इस समय शूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था, उसे कृतवर्मा ने रोका। क्षत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था, उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। इस पर क्षत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और 10 नाराचों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्मा पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। महारथी युयुत्सु भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था, उसे सुबाहु ने रोका, किंतु युयुत्सु ने दो क्षुर प्रबाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली। धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्रराज शल्य ने रोक दी। धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने दो बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बहली और उनकी सेना ने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्य राज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की कई वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था, उसे भूतकर्मा ने रोका। तब शतानिक ने अच्छी तरह सान पर चढ़ाए हुए 3 बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट डाला। भीमसेन का पुत्र सुतसोम बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था, उसे विविंशति ने रोका, किंतु सुतसोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बींध डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीमरथ ने 6 पैने बाणों से शाल्व को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था, उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। अब वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कुपित होकर प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति को दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बींध दिया और स्वयं द्रोण के सामने जा पहुंचा। राजन, पट्टचर राक्षस का वध करने वाला वह वीर दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था।
उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामति विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाणों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन काट कूट डाला। उत्तमौजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था, उसे अंगद ने रोका। उन पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजित को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजित ने उसकी भौहों के बीच में बाण मारा। कर्ण ने पांच कैकेयी भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और कैकेयी देशीय पांचों राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके तीन पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काश्य और जयतसेन को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेमधूर्ति और बृहत इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बष्ट अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदीराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ट ने एक अस्थि बेधनी शलाका से चेदीराज को घायल कर दिया। वृष्णी वंशीय वृद्ध क्षेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे-छोटे बाणों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे, वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया। मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हांकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृषसेन ने अपने बाणों की बौछार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच गदा, परिग, तलवार, पट्टिश, लोहदंड, पत्थर, लाठी, भुशुंडी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुदगर, चक्र, भिंदीपाल, परसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्ष आदि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भगाता आगे आया। उस पर राक्षस राज अलंबुश ने तरह तरह के हथियारों से वार किया। उस राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाति सैनिकों की सैकड़ों जोटे बंध गईं। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ, वैसा इससे पहले न तो देखा था और न सुना ही था। राजन, वहां जहां तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे, उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संक्षिप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग-अलग बढ़ गए, तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, सब लोग संग्राम के लिए सजकर तैयार हो गए, तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने
थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यूह को तोड़ दिया। उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेरकर भागने लगे। इसी तरह भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगा। किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाण मारकर उसे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबराकर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सारी सेना घबराकर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराज पर चढ़ प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के दो पैर और सूंड से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला। भीमसेन अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वे भागे नहीं बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार-बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था। इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूंड से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहां भीमसेन खड़े थे वहीं पहुंच गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पंचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया। किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रौंदने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशार्ण देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया। अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्ण राज के हाथी की पसलियां टूट गई। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय भगदत्त ने सात चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशार्ण राज को मार डाला। अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, परंतु प्राग ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को यकायक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्यकी रथ में से कूदकर भाग गया। तब कृति का पुत्र रुचि परवा भगदत्त के सामने आया। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचि परवा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु जब महावत ने उसे एड़ी, अंकुश और अंगूठे से गुदगुदाकर आगे बढ़ाया तो वह सूंड फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युयुत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार डाला
तब युयुत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टकेतु ने 3-3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओं की बाण वर्षा ने उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्ति पूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा-उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेग से बह रहा था, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उड़ती देखी और हाथी की चिंगार सुनी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मालूम होता है प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। निसंदेह यह चिंगार उन्हीं के हाथी की है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। इन्हें गजारोहियों में पृथ्वी भर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा इनकी गति को रोकने में और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए अब जल्दी ही उनकी ओर चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर 14,000 संशप्तक, 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। अब अर्जुन का हृदय द्विविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संशप्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन सा काम करना विशेष हितकर होगा? अंत में उनका विचार संशप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संशप्तकों की ओर लौट पड़े। संशप्तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट-कट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टि, प्रास, तलवार, बघनक, मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे, कट-कर इधर-उधर फैल गईं तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों हजारों संशप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संशप्तक वीर मौजूद थे उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। यह देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्युत, देखिए इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए इनमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा? यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्त राज सुशर्मा की ओर अपना रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाणों से सुशर्मा को बींधकर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला, फिर 6 बाणों से उसके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब सुशर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति
और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने तीन तीन बाणों से शक्ति और तोमर दोनों को ही काट डाला और फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच में ही उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंग रक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के दो-दो टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भरकर देख लो। यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा कलेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है, दूसरी मूर्ति जगत के शुभाशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है, तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो 1000 वर्षों तक जल में शयन करती है। वह मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा। अब इसे कोई मार नहीं सकेगा। पृथ्वी की मनह कामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्धर्ष होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन,
वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सहली और इसे व्यर्थ कर दिया है। अब भगदत्त के पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पूंछ सहित उसके मस्तक में धस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार-बार हांकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिंघाड़ते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है, इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं, पलकें ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्राय बंद रहती हैं। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसककर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्यान्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला। वृषभ, अचल और नील आदि का वध, शकुनी और कर्ण की पराजय। संजय ने कहा, भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से गंधार राज सुबल के दो पुत्र वृषभ और अचल आ पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे। फिर दोनों एक साथ तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगे। तब अर्जुन ने अपने पैने बाणों से वृषभ के सारथी धनुष, छत्र, ध्वजा, रथ और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूहों से बींधकर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गंधार वीरों को यमलोक भेज दिया। वृषभ के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिए उससे कूदकर वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। अब तो वे वृषभ और अचल दोनों भाई बाणों की वर्षा करके अर्जुन को बींधने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिर पड़े। राजन, अपने दोनों मामाओं को मरा देख आपके पुत्र आंसू बहाने लगे। भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोह में डालने के लिए माया की रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले, पत्थर, शतघ्नि, शक्ति, गदा, परिग, तलवार, शूल, मुद्गर, पट्टिश, रिष्टि, नख, मूसल, चक्र, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, चीते, रीछ, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े। अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही, सहसा बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को मारने लगे। अर्जुन के सुदृढ़ सैनिकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर-जोर से चीत्कार करते हुए नष्ट हो गए। इतने में ही अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी,
पर उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जल धाराएं गिरने लगी। तब अर्जुन ने आदित्य अस्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनी ने अनेकों प्रकार की मायाएं रची, किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सब का नाश कर दिया। जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनी अर्जुन के बाणों से विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमि से भाग गया। तदनंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे। वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुन की मार से पीड़ित हो आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत सैनिकों ने अपने ही पक्ष के योद्धाओं का संहार कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से आहत होकर वे प्राणहीन हो धाराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्य, हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे। उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को छोड़कर चल देता था। मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे। इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव सेना को छिन्न भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओं को कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्न ने स्वयं आकर द्रोण को चारों ओर से घेर दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगा। उसे इस प्रकार संहार करते देख अश्वत्थामा ने हंसकर कहा, नील, तुम अपनी बाण अग्नि से इन अनेक योद्धाओं को क्यों भस्म कर रहे हो? साहस हो तो केवल मेरे साथ लड़ो। यह ललकार सुनकर नील ने बाणों से अश्वत्थामा को बींध दिया। तब उसने भी तीन बाण मारकर नील के धनुष, ध्वजा और छत्र को काट डाला। यह देख नील हाथ में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और अश्वत्थामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील के कुंडल सहित मस्तक को काट गिराया। नील पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ। इतने में ही अर्जुन बहुत से संक्षप्तकों को जीतकर जहां द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे वहां आ पहुंचे और कौरव योद्धाओं को अपने शस्त्रों की आग में जलाने लगे। उनके सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमि पर गिरने लगे। कितने ही आर्त स्वर से कराहने लगे। कितनों ने गिरते ही प्राण त्याग दिए। उनमें से जो उठते गिरते भागने लगे, उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कौरव हा कर्ण ऐसे पुकारने लगे। शरणार्थियों का वह करुण क्रंदन सुनकर वीरो डरो मत ऐसा कहकर कर्ण अर्जुन का सामना करने चला। कर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ था। उसने उस समय अग्नि अस्त्र प्रकट किया, परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाणों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी भी वहां पहुंचकर कर्ण को अपने बाणों से बींधने लगे। कर्ण ने भी तीन बाणों से उन तीनों वीरों के धनुष काट डाले। तब उन्होंने कर्ण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों के समान गर्जना की। कर्ण भी तीन तीन बाणों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाण बरसाता हुआ गरजने लगा। यह देख अर्जुन ने सात बाणों से कर्ण को बींधकर उसके छोटे भाई को मार डाला। फिर उसके दूसरे भाई
शत्रुंजय को भी 6 बाणों से मौत के घाट उतारा। उसके बाद एक भाला मारकर विपाट के भी मस्तक को काटकर उसे रथ से गिरा दिया। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते कर्ण के सामने ही उसके तीनों भाइयों को अर्जुन ने अकेले ही मार डाला। तदनंतर भीमसेन भी अपने रथ से कूद पड़े और तलवार से कर्ण पक्ष के 15 वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ आए। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्ण को 10 तथा उसके सारथी और घोड़ों को 5 बाणों से बींध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युमन भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निषद देश के राजा बृहत्क्षत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने सिंहनाद करते हुए 73 बाणों से कर्ण को बींध दिया। इसके बाद सात्यकी ने भी दूसरा धनुष उठाया और 64 बाणों से कर्ण को बींधकर सिंह के समान गर्जना की। फिर 2 बाणों से उसने कर्ण का धनुष काट दिया और 3 बाणों से उसकी बाहुओं तथा छाती में प्रहार किया। कर्ण सात्यकी रूपी समुद्र में डूब रहा था। उस समय दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए। फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल, रथी और हाथी सवार योद्धा कर्ण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युमन, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सात्यकी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहां समस्त धनुर्धारियों का नाश करने के लिए महाभयानक संग्राम छिड़ गया। आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने लगा। इतने में सूर्य अस्ताचल को जा पहुंचा। तब दोनों ओर की थकी मांदी एवं लहू लुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे-धीरे अपने शिविर को लौट गईं। चक्रव्यूह निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, राजन, उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रुओं का अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, द्विजवर, निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं। तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आ जाने पर भी कैद नहीं किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपसे प्रसन्न होकर पहले ही मुझे वरदान मिला, किंतु पीछे आपने उसे पूर्ण नहीं किया। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही चेष्टा करता हूँ, किंतु क्या करूँ? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो, उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते। जहाँ विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है? तात, इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूँगा। आज वह व्यूह बनाऊँगा, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन अर्जुन को तुम किसी भी उपाय से यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसी नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें। उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। द्रोण के ऐसा कहते ही संक्षप्तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर हटा ले गए। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था। महाराज, इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया।
उसमें उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उस व्यूह के अरों के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया। राजा दुर्योधन इसके मध्य भाग में खड़ा हुआ। उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन थे। व्यूह के अग्र भाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए। जयद्रथ के बगल में अश्वत्थामा के साथ आपके 30 पुत्र शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे। तदनंतर कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया। सात्यकी, चेकीतान, धृष्टद्युमन, कुंतीभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदीराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदी के पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, कैकेयी राजकुमार और हजारों सृंजय वंशी क्षत्रिय, ये तथा और भी बहुत से रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और सृंजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला था। युधिष्ठिर ने उससे कहा, बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। इसे तो तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युमन ही तोड़ सकते हैं। पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन हम लोगों को ताना देंगे। अभिमन्यु ने कहा, आचार्य, द्रोण की यह सेना यद्यपि अत्यंत सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृ वर्ग की विजय के लिए इस व्यूह में अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने व्यूह को तोड़ने का उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया। यदि मैं वहां किसी विपत्ति में फंस गया, तो निकल नहीं सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, वीरवर, तुम इस सेना को भेद कर हम लोगों के लिए द्वार तो बनाओ, फिर जिस मार्ग से तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं धृष्टद्युमन, सात्यकी तथा पंचाल, मत्स्य, प्रभद्रक और कैकेयी देश के योद्धा, ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहां तुमने व्यूह भंग किया, वहां के बड़े-बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं द्रोण की इस दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूँ। आज वह पराक्रम कर दिखाऊंगा, जिससे मेरे मामा और पिता दोनों के कुलों का हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूँ, तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूँ। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए, तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे। अभिमन्यु का व्यूह में प्रवेश और पराक्रम।
संजय कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर अभिमन्युओं ने सारथी को द्रोण की सेना के पास रथ ले चलने को कहा। जब बारंबार चलने की आज्ञा दी, तो सारथी ने उससे कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आप पर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है। आप थोड़ी देर इस पर विचार कर लीजिए, फिर युद्ध कीजिएगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं। उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े सुख और आराम में पले हैं, तथा युद्ध विद्या में उनके समान निपुण भी नहीं हैं। सारथी की बात सुनकर अभिमन्युओं ने उससे हंसकर कहा, सूत, यह द्रोण अथवा क्षत्रिय समुदाय क्या है? यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाएं, अथवा भूत गणों को साथ लेकर शंकर उतर आवे, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस क्षत्रिय समूह को देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। यह संपूर्ण शत्रु सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी अपने विपक्ष में पाकर मुझे भय नहीं होगा। इस प्रकार सारथी की बात की अवहेलना करके अभिमन्युओं ने उसे शीघ्र ही द्रोण की सेना के पास चलने की आज्ञा दी। यह सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु घोड़ों को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्युओं के पीछे पीछे चले। उसको आते देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उसका सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। वह युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा, जैसे हाथियों के आगे सिंह का बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर 20 ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उभय पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते-देखते व्यूह भेदकर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े, परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो-जो वीर उसके सामने आए, सबको अपने मर्मभेदी बाणों से मारने लगा। उसके पैने बाणों की मार पड़ने से घायल हो बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। मरे हुए वीरों की लाशों और उसके टुकड़ों से वहां की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, ढाल, तलवार, अंकुश, तोमर आदि बहुत से शस्त्रों और आभूषणों से युक्त हजारों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान अचिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा दसों दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुंह सूख गए थे, नेत्र चंचल हो रहे थे, बदन से पसीना बह रहा था, रोएं खड़े हो गए थे। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे थे। अगर कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपना प्राण बचाने की इच्छा से घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हांकते हुए सब लोग भाग चले। अमित तेजस्वी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर-बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्य की आज्ञा से और भी बहुत से योद्धा वहां आ पहुंचे और दुर्योधन को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्बल, शल्य, भूरी, भूरीश्रवा, शल, पौरव और वृषसेन ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। जैसे मोह का ग्रास छिन जाए, उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से सहा नहीं गया। उसने बड़ी भारी बाण वर्षा करके घोड़े और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार भगाया
और सिंह के समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथों से उसको घेरकर बाण समूहों की वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों को आकाश में ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बींध डालता था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राम में दुस्सह ने 9 बाण मारकर अभिमन्यु को बींध दिया। फिर दुशासन, कृपाचार्य, द्रोण, विविंशति, कृतवर्मा, बृहद्बल, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, शकुनी और राजा दुर्योधन इन सबने उसको बाणों से बींध दिया। महाराज, उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूम कर सब महारथियों को 3-3 बाणों से बेधता जाता था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया, तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा का महान बल दिखाने लगा। इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसको बींध डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे 10 बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ से अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित्थ, प्रबाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन इन सबने क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े-बड़े धनुर्धारियों के बाणों से जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया, तो उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया। वह बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी भेद कर पृथ्वी में समा गया। उस दुस्सह प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप उठा। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को भी मारा। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्यु को घायल किया। उसके संपूर्ण शरीर में बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके मर्मभेदी बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। शल्य की यह अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते-देखते भाग चली। उस समय देवता, पितृ, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्यु का यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शल्य का एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है, तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही 10 बाण मारकर उसने अभिमन्यु को घोड़े और सारथी सहित घायल कर दिया। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके घोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, बैठक, पहिया, धुरी, भाथा, धनुष, प्रत्यंचा, पताका, पहियों के रक्षक एवं रथ की सब सामग्री को खंड-खंड करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराए। अब तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। अभिमन्यु के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर सब लोग उसे शाबाशी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संहार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देख
आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुशासन बड़े जोर से गर्जा और क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करता हुआ सुभद्रा कुमार पर चढ़ आया। आते ही उसने अभिमन्यु को 26 बाण मारे। अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे। वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे। दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंसकर कहा, दुर्मते, तूने मेरे पितृवर्ग का राज्य हर लिया है। उसके कारण तथा तेरे लोप, अज्ञान, द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पाप का भयंकर फल तू भोग, क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋण से ओ ऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता। यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की हंसली छेदकर निकल गया। इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर वह व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युमन, शिखंडी, कैकेयी, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पांचाल और श्रृंजय वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरों को भी बाणों से बींधने लगा। अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से बींध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदनंतर कर्ण ने अपनी उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से शूर वीरों के धनुष काटकर कर्ण को भी खूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी हंसते-हंसते बींध डाला। फिर कर्ण ने भी उसे कई बाण मारे, किंतु अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाण से कर्ण के धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार कर्ण को संकट में फंसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष ले अभिमन्यु का सामना करने को आ गया। उसने आते ही 10 बाण मारकर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित बींध डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया। राजन, भाई को मरा देख कर्ण बहुत दुखी हुआ। इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमुख करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना का संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणों से बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिए अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हांककर रणभूमि से भाग गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सिंधु राज जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ व्यूह में विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का संहार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गईं। कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाणों से क्षत विक्षत हो
प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेना को खदेड़-खदेड़ कर मार रहा था। व्यूह के बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अभिमन्यु ने जिस समय व्यूह में प्रवेश किया उसके साथ युधिष्ठिर की सेना का कोई और भी वीर गया था या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युमन, विराट, द्रुपद, कैकेयी, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे, तब आपके जामाता जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ जयद्रथ के ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होने पर भी उसने क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था जिससे वह पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भीमसेन से उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्त वत्सल भगवान ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांग ले। वह प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूँ अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। भगवान ने कहा, सौम्य, तुम अर्जुन को छोड़ शेष चार पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहते कहते उसकी नींद टूट गई। उस वरदान से और दिव्य अस्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रु वीरों पर भय छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े। अभिमन्यु के व्यूह के जिस भाग को तोड़ डाला था उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया। फिर उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युमन को 8 और विराट को 10 बाण मारे। इसी प्रकार द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेयी राजकुमारों को 25, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 3-3 और युधिष्ठिर को 70 बाणों से बींध डाला। साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका यह काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हंसते हंसते एक तीक्ष्ण बाण से जयद्रथ का धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को 10 और अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से बींध दिया। उसके हाथ की फुर्ती देखकर भीमसेन ने 3 बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वजा और घोड़ों का संहार कर डाला। घोड़ों के मर जाने पर भीमसेन उस रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर जा बैठा। जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया, किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पांचाल, कैकेयी और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथ को हटा न सके। आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था। अभिमन्यु के द्वारा कौरव सेना के कई प्रमुख वीरों का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर
दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। बलवान वृषसेन ने भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को बींध डाला। घोड़े रथ लिए वहां से हवा हो गए। यह विघ्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रुओं को रौंदते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसातीय ने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाणों से घायल कर डाला। तब अभिमन्यु ने बसातीय की छाती में एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेना के बड़े-बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उनके साथ उसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित हो उनके धनुष और बाणों के टुकड़े-टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्म रथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, वीरो डरो मत, मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है। संदेह न करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। यह कहकर वह अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाईं बाईं भुजाओं में तीन तीन बाण मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्म रथ के कई मित्र थे, वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच गया, किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी एक, कभी 100 और कभी 1000 की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्व अस्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। कितनों के धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी, भुजाएं तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख वह क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया था कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसकी ही हुई। सहसा इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है, किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुंह सूख गए थे, आंखें कातर हो रही थी, शरीर में रोमांच हो आया था और पसीने चू रहे थे। शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था, सब भागने की तैयारी में थे। मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुहृद, संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़-छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी-जल्दी हांकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े, किंतु अभिमन्यु ने इन्हें फिर अनेकों बार रण से विमुख किया।
केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया, फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सबने मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा हूँ। यह कहकर महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर भ्रकुटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देख लोगों में हाहाकार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वथामा, बृहद्बल तथा कृतवर्मा इन छह महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। यह देख कलिंग और निषाद वीरों के साथ क्रात पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदनंतर क्रात अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ आए, किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर क्रात पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्रात के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। तब द्रोण आदि छह महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। यह देख अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्बल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वथामा को 10 बाणों से बींध डाला। तदनंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वथामा ने 8, कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्बल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाणों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10,000 महाबली राजाओं का भी वध कर दिया, जो खड़े-खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रा नंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा। अभिमन्यु के द्वारा कौरव वीरों का संहार और 6 महारथियों के प्रयत्न से उसका वध। संजय कहते हैं, तदनंतर कर्ण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लहूलुहान हो गए। इसके बाद कर्ण के 6 मंत्री सामने आए। वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, किंतु अभिमन्यु ने उन्हें घोड़े और सारथियों सहित नष्ट कर दिया तथा दूसरे धनुर्धारियों को भी
10-10 बाण मारकर बींध डाला। उसका यह कार्य अद्भुत सा हुआ। इसके बाद उसने मगधराज के पुत्र को 6 बाणों से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहित अश्वकेतु को भी मार गिराया। फिर मर्तिकावतक देश के राजा भोज को क्षुरप्र नामक बाण से मौत के घाट उतारकर बाण वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। इतने में दुशासन के पुत्र ने आकर 4 बाणों से 4 घोड़ों को, 1 से सारथी को और 10 से अभिमन्यु को भी बींध दिया। तब अभिमन्यु ने भी 7 बाणों से दुशासन के पुत्र को घायल करके कहा, अरे तेरा पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया, अब तू लड़ने चला है। सौभाग्य की बात है कि तू भी लड़ना जानता है, किंतु आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने दुशासन के पुत्र पर एक तीखा बाण चलाया, किंतु अश्वत्थामा ने अपने 3 बाणों से उसे काट दिया। तब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा की ध्वजा काटकर 3 बाणों से शल्य को पीड़ित किया। शल्य ने भी उसकी छाती में 9 बाण मारे। अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उनके पार्श्व रक्षक और सारथी को भी मार डाला। फिर 6 बाणों से शल्य को भी बींधा। शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास इन 5 राजाओं का वध करके शकुनी को भी बाणों से घायल किया। शकुनी ने भी 3 बाणों से अभिमन्यु को बींधकर दुर्योधन से कहा, देखो यह पहले से एक-एक करके हम लोगों को मार रहा है। अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें। तदनंतर कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा है, अब इसके वध का कोई उपाय हमें शीघ्र बताइए। तब महान धनुर्धर द्रोण ने सब लोगों से कहा, इस पांडव नंदन की फुर्ती तो देखो, बाणों को चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथ मार्ग में केवल इसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई पड़ता है, वह स्वयं कहाँ है इसका पता नहीं चलता। सुभद्रा नंदन अपने बाणों से मुझे क्षत विक्षत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्छित हो रहे हैं, तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण यह समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा कर रहा है। इस समय अर्जुन में तथा इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यह सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा, आचार्य अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, मुझे साहस पूर्वक खड़ा रहना चाहिए, यही सोचकर अभी तक खड़ा हूँ। इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं। कर्ण की बात सुनकर आचार्य द्रोण हंस पड़े और धीरे से बोले, एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है, दूसरे इसका कवच अभेद्य है। इसके पिता अर्जुन को जो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई थी, निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता है। अतः यदि इसका धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, बागडोर काटकर घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मार दिए जा सके, तो काम बन सकता है। राधानंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो, यदि कर सको तो यही करो। सब प्रकार से असहाय करके इसे रण से भगाओ और पीछे से प्रहार करो। यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते। आचार्य की बात सुनकर कर्ण ने बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को और कृपाचार्य ने पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। उसे धनुष और रथ से हीन देख बाकी महारथी लोग बड़ी शीघ्रता से उस पर बाण बरसाने लगे। एक और 6 महारथी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु, तो भी ये निर्दयी उस अकेले बालक पर बाण वर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रथ से हाथ धोना पड़ा, तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल तलवार लेकर
वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा। अपनी लघिमा शक्ति से अभी वह गरुड़ की भांति ऊपर मंडरा ही रहा था। तब तक द्रोणाचार्य ने एक शूर्प्र नामक बाण से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कर्ण ने ढाल छिन्न भिन्न कर दी। अब उसके हाथ में तलवार भी न रही, सारे अंगों में बाण धसे हुए थे। उसी दशा में वह आकाश से उतरा और क्रोध में भरकर चक्र हाथ में लिए द्रोणाचार्य पर झपटा। उस समय वह चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजा लोग बहुत डर गए और सबने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और अश्वत्थामा पर चलाई। जलते हुए वज्र के समान उस गदा को आते देख अश्वत्थामा रथ से उतरकर तीन कदम पीछे हट गया। गदा की चोट से उसके घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए। इसके बाद अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालिकेय को तथा उसके अनुचर 77 गांधारों को मौत के घाट उतारा। फिर 10 बसातीय महारथियों को तथा 7 कैकेय महारथियों का संहार कर 10 हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों को गदा से चूर्ण कर डाला। इससे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और वह भी गदा उठाकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों पर गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुशासन कुमार पहले उठा और अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि उसने उसके मस्तक पर गदा मारी। उसके प्रचंड आघात से बेचारा अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज, इस प्रकार उस एक बालक को बहुत लोगों ने मिलकर मारा। आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस शूरवीर को रणभूमि में गिरा देख अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, द्रोण और कर्ण जैसे 6 प्रधान महारथियों ने मिलकर इस अकेले बालक का वध किया है। इसे हम लोग धर्म नहीं मानते। चंद्रमा और सूर्य के तुल्य कांतिमान अभिमन्यु को इस प्रकार पड़ा देख आपके योद्धाओं को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजन, अभिमन्यु अभी बालक था, युवावस्था में उसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते-देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली। यह देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, वीरों, युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है, तुम भी उसी की भांति धीरता रखो, डरो मत, हम लोग निश्चय ही शत्रुओं पर विजय पाएंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने अपने दुखी सैनिकों का शोक दूर किया। राजन, अभिमन्यु श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। वह 10,000 राजकुमारों और महारथी कौसल्य को मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में गया है, अतः वह शोक करने योग्य नहीं है। महाराज, इस प्रकार हम लोग पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर उनके बाणों से पीड़ित एवं लहूलुहान हो सायंकाल अपनी छावनी में चले आए। आते समय देखा शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविर को जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रक्त की नदी बहा दी थी जो वैतरणी के समान भयंकर और दुस्तर थी। रणभूमि के मध्य में बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाह में बहाए जा रही थी। अनेकों धड़ वहां नाच रहे थे। रणस्थल को देखने में डर मालूम होता था। युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, महावीर अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा रथ छोड़ कवच उतार और धनुष फेंक कर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए तथा अभिमन्यु को मन ही मन याद करते हुए उसके युद्ध का स्मरण करने लगे।
भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया। यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। जैसे गौओं के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद्य व्यूह में जा घुसा, युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े-बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुःशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुःशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हाय, वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटे को नहीं देख सकेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा? आह, मैं कितना निर्दयी हूँ, जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने, सवारी पर चलने तथा भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया। अभी तो वह तरुण कुमार युद्ध की कला में पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशल से लौटता? अर्जुन बुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान, बलवान, बड़ों को मान देने वाले वीर और सत्य पराक्रमी है, जिनके कर्मों को देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी अभय दान देते हैं, उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा न कर सके। बल और पुरुषार्थ में जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब विजय से भी मुझे प्रसन्नता न होगी। उसके बिना पृथ्वी का राज्य, अमरत्व अथवा देवताओं के लोक का अधिकार भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। कुंती नंदन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेदव्यास जी वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनको यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए, तो अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा, मुनिवर, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियों ने घेर कर मार डाला है। मैंने उससे कहा था, हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो। उसने वैसा ही किया। जब स्वयं घुस गया, तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे, किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया। योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए, किंतु शत्रुओं ने जो उसके साथ व्यवहार किया है, वह नितांत अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है, बार-बार उसी की चिंता होने लगती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम तो महान बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हारे जैसे पुरुष संकट पड़ने पर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्ध में बहुत से वीरों को मारकर प्रौढ़ योद्धाओं के समान पराक्रम दिखाकर स्वर्ग लोक में गया है। भारत, विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व और दानवों के भी प्राण ले लेती है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मुने, ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चले गए। कहते हैं ये मर गए, किंतु मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है? मृत्यु किसकी होती है, क्यों होती है और वह किस प्रकार प्रजा का संहार करती है तथा कैसे यह जीव को परलोक में ले जाती है? पितामह, ये सब बातें मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन, जानकार लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं। इसको सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे। यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, शोक नाशक, अत्यंत मंगलकारी तथा वेदा अध्ययन के समान पवित्र है। आयुष्मान पुत्र, राज्य और लक्ष्मी चाहने वाले द्विजों को
प्रतिदिन प्रातःकाल इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, सत्य युग में एक अकंपन नाम के राजा थे। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। वह बल में नारायण के समान था और युद्ध में इंद्र के समान। उस युद्ध में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में वह शत्रुओं के हाथ से मारा गया। इससे राजा को बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोक का समाचार जानकर देवऋषि नारद जी आए। राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा, भगवन, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था। उसको बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है। अब मैं यह ठीक-ठीक जानना और सुनना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या है, इसका वीर्य, बल और पौरुष कैसा है। राजा की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की, तो उसका संहार होता न देख उसके लिए वे विचार करने लगे। सोचते-सोचते जब कुछ समझ में न आया, तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उसी अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। यह देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ, तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? तुम्हें जो भी अभीष्ट होगा, उसे पूर्ण करूंगा। रुद्र ने कहा, प्रभो, आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु वे सभी आज आपकी क्रोधा अग्नि से दग्ध हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है। भगवन, अब तो उन पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया। इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय न सूझा, तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ आया। रुद्र ने कहा, भगवन, संहार के लिए आप क्रोध न करें, प्रजा पर प्रसन्न हो। आपके क्रोध से प्रकट हुई आग, पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत को जला रही है। जब आपका क्रोध शांत हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे इन प्राणियों की जान बचे। नारद जी कहते हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था काला, लाल और पीला। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया कि मैंने लोकों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फिर फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू झर रहे थे, उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांत्वना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवन, आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूं। मेरे सताए हुए लोग रोएंगे। उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे वर दीजिए। मैं आज से धेनुका आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हो तीव्र तपस्या करूंगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है।
जाओ सब प्रजा का नाश करती रहो। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कन्या प्रजा के संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही तप करने की इच्छा से धेनुका आश्रम में चली गई। वहां से पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मल्याचल आदि तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। वह अनन्य भाव से केवल ब्रह्मा जी में ही सुदृढ़ भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरण से पितामह को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा, मृत्यो, बताओ तो सही, किस लिए यह अत्यंत कठोर तप कर रही हो? मृत्यु बोली, प्रभो, मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश न करूं। मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसीलिए मैं तप में लगी हूँ। भगवन, मुझ भयभीत अबला को आप अभय दान दें। मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ, आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ, मुझे शरण दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याणी, इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम चार प्रकार की प्रजा का नाश करो। सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा, लोकपाल, यम तथा तरह-तरह की व्याधियां तुम्हारी सहायिका होंगी, फिर देवता लोक तथा मैं सभी तुम्हें वरदान देंगे। यह सुनकर मृत्यु ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिए। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटु वचन बोलना, ये नाना प्रकार के दोष ही प्राणियों की देह का नाश करें।